हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो गेट 2022 में पूछा गया था। तो चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी वर प्लेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर एज इल्यूस्ट्रेटेड। तो एक फिलामेंटस एल्गी लिया गया और स्लाइड के ऊपर रख दिया गया और डिफरेंट लाइट से उसे इल्यूमिनेट करवाया गया। द बैक्टीरिया दैट आर नोन टू माइग्रेट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई अप टू वर ऑल्सो एडेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्लाइड। तो क्या हो गया, एक एरोबिक जिसे O2 कंज्यूम करता है बैक्टीरिया, उसे यूनिफॉर्मली उस स्लाइड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया अलोंग द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड आफ्टर इल्यूमिनेशन। ये इल्यूमिनेशन करने के बाद इस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में दिया है कि ग्रीन एंड रेड रीजन में बैक्टीरिया ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, माइग्रेट करके ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और बी में दिया है कि ग्रीन में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद येलो होगा, ये दिया है बी में। सी में दिया है कि ब्लू लाइट में और येलो लाइट में सबसे ज्यादा क्या होंगे, बैक्टीरिया गैदर होंगे। और ऑप्शन डी में दिया है कि ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्युमुलेट होंगे। तो आप हिंट्स के हिसाब से पता लगा चुके होंगे उसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं लगा है, इसका आंसर होगा कि ऑप्शन डी। हम जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस, कौन से वेवलेंथ में होता है, ब्लू एंड रेड में। तो इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमेंट का, तो वो एक्सपेरिमेंट के बारे में अब देखते हैं। तो चलो चलते हैं वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये देखिए, TW एंगलमेंट का एक्सपेरिमेंट यही था। उन्होंने एक लाइट सोर्स लिया और वो लाइट को प्रिज्म के थ्रू डिफ्रैक्शन किया, तो डिफरेंट उसका वेवलेंथ का वो डिफ्रैक्शन हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या लिया, एक रोड शेप क्या लिया, आलगी लिया। और रोड शेप आलगी यहाँ पर क्या है, स्पाइरोगाइरा। और उसे प्लेस करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसको क्या किया कि पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो स्पाइरोगाइरा के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने लाइट को इल्यूमिनेट किया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम जानते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट में जो आल्गी होता है फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन तब कौन सी वेवलेंथ में लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है वो प्रूफ नहीं हुआ था। तो उसके उन्होंने क्या किया कि ये करने के बाद हम जानते हैं स्पाइरोगाइरा एक आल्गी है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे ये बैक्टीरिया क्या किया कि ब्लू एंड रेड रीजन में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा गैदर होने लगा। क्यों ज्यादा से ज्यादा गैदर होने लगा, हम जानते हैं कि ब्लू एंड रेड रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और इसीलिए वहां पर क्या हुआ, ज्यादा क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। और जब ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर बैक्टीरिया धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने लगे। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ब्लू एंड रेड लाइट में ज्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है और एरोबिक बैक्टीरिया उस एरिया को क्या किया, उस एरिया में जाके गैदर होने लगे। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट। तुम्हें समझ में आया होगा, सो थैंक यू।